नमस्कार दोस्तों, मैं उमानाथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आईपी बेस्ड कोई भी डिवाइसेस हैं तो उनको किस तरह से व्हाट्सएप गोल्ड के अंदर माउंट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास L2 लेवल के स्विचेस हैं, आपके नेटवर्क में अगर मैनेजेबल स्विचेस हैं जिसमें आप SNMP कॉन्फिगर कर सकते हैं, तो उन डिवाइसेस को व्हाट्सएप गोल्ड के ऊपर कैसे माउंट करना है और उनके हर एक पोर्ट को कैसे माउंट करना है और कैसे मॉनिटर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से इस स्विच के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी पोर्ट हमें यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। तो उस पोर्ट को दिखाने के लिए, यहाँ पर पोर्ट को माउंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप करना पड़ेगा। तो चलिए रिटर्न जाते हैं स्विच के अंदर, स्विच की प्रॉपर्टीज़ में। तो दोस्तों, उस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। SNMP में जाके SNMP टाइप कर देना है। सर्विसेज में जाके ऑटो डिस्कवर करना है। सारे पोर्ट्स आपको दिखा देंगे। पोर्ट दिखाने के बाद ओके करना है। वापस से आप रिटर्न आइए वहाँ पर डबल क्लिक करके। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एडिट में जा सकते हैं। कोई भी पोर्ट के ऊपर नाम दे सकते हैं, यहाँ पर कमिटमेंट डाल सकते हैं। तो कमिट डालने के बाद में ओके कर दीजिए। तो ओके कर देना है और फाइल को पूरी तरह से मैप को सेव करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सारे पोर्ट्स तो आ गए हैं, लेकिन ये अभी ग्रे कलर में है। कोई भी पोर्ट एक्टिव नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्टिव नहीं है, उसे हमें एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए हम लोग जाते हैं वापस से ग्राफ मोड में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस अभी स्टॉप दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो ग्राफ जो है अभी वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी डेटा वो कैच नहीं कर रहा है। तो इसे ऑन करने के लिए हमें जाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ टूल बार में जो है आपको दिखेगा एक घड़ी का आइकन। इस घड़ी के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना, तो जो है आपका ग्राफ एक्टिवेट हो जाएगा। और वहाँ पर जो है 60 सेकेंड्स में जो है बाय डिफ़ॉल्ट 60 सेकेंड्स का काउंटडाउन होता है और 60 सेकेंड में ग्राफ जो है रिफ्रेश होते रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो रिंग का बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा तो आपको जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू जान जाएंगे कि मैंने हाँ आज के दिन में एक वीडियो अपलोड किया है और आप वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।